अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन टीयर्स ऑफ नेचर, फितरत के आंसू, और जो कि एक पोइम है। और इस पोइम के हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, व्हाट इज़ पोल्यूशन, आलूदगी क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये पोइम पढ़ी है मेरे साथ कि टीयर्स ऑफ नेचर क्या है, कि किस तरह से फितरत रो रही है कि आदमी जो है वो अपने माहौल को गंदा कर रहा है और आलूदा कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें कि जो हमारे कुदरती माहौल में या जो है हमारे माहौल में अनफिट होती हैं, वो आलूदगी कहलाती हैं। तो इसका आंसर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है, पोल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन of contaminants into the natural environment, the cause adverse change। आलूदगी जो है वो तारुफ है गंदगी का या नजासत का हमारे जो कुदरती माहौल है। the cause adverse change जो कि बिल्कुल ही हमारे कुदरती माहौल से नामवाफिक जो तब्दीली लाता है उसको हम आलूदगी कहते हैं। pollution can take the form of chemical substances or energy। आलूदगी जो है वो किसी भी किस्म की केमिकल मादों की सूरत में भी या एनर्जी या ताकत की सूरत में भी हो सकती है, सच एस नॉइस, हीट और लाइट, जैसे कि शोर की आलूदगी, हरारत की और रोशनी की आलूदगी वगैरह। कुछ काइंड्स यहाँ पर आपने ये बतानी है। इस तरह से आपने नंबर वन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, What does this poem show about the attitude of men in general regarding nature and environment? कि ये जो poem है ये किस तरह से आदमी का जो रवैया है वो जाहिर करती है फितरत और उसके माहौल के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने ये poem पढ़ी है कि किस तरह से आदमी अपने ही हाथों से अपने माहौल को तबाह कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें तबाही ला रहा है, लेकिन उसे इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो इनका जो डैमेज कर रहा है इसके नुकसान से डरता भी नहीं है कि वो कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा है नेचर का। तो इसका आंसर आप लोगों ने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है कि दिस पोइम क्लियरली शोज द हार्टलेस एंड इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ मैन टुवार्ड द नेचर एंड एनवायरमेंट। कि ये जो नज़म है या पोइम है ये वाज़ह तौर पर जाहिर करती है कि इंसान का बिल्कुल ही मुख्तलिफ और बिल्कुल ही जो है सख्त सलूक फितरत और माहौल की तरफ। वी आर कॉन्टीन्यूसली डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट, हम मुसलसल अपने माहौल को तबाह कर रहे हैं, बट वी डू नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, एंड डू नॉट वरी अबाउट द कमिंग रिजल्ट्स, और ना ही हम आने वाले नताइज से परेशान होते हैं। तो इसका आंसर आपने इस तरह से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड द अर्थ। कहते हैं कि आपने ज़रूर सुना होगा कि हम जो जो जहाँ जहाँ आलूदगी कर रहे हैं पानी में, हवा में, ज़मीन में, और जो कुछ ग्लोबल वार्मिंग हमें मिल चुकी है, व्हाट इज़ यूजली योर रिएक्शन टू ऑल सच स्टफ़। कि अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ सुनते हैं कि हमारे जो है फितरत को या नेचर को इतना नुकसान पहुँच रहा है और इतनी ज़्यादा आलूदगी हो रही है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में, डू यू डिसमिस इट विद द श्रग ऑफ शोल्डर्स और गेट वरीड अबाउट इट। कहता है कि क्या आप भी बस ये सब सुन के कंधे उचकाते हैं और आगे चले जाते हैं, या आप वाकई इसके बारे में परेशान होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कि जिस तरह हम लोग बहुत ज़्यादा आलूदा तो कर रहे हैं अपने माहौल को, लेकिन अगर हमें पता लगता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो हम ऐसे तो नहीं हैं कि श्रग ऑफ शोल्डर, तो वाकई ही हम इसके बारे में परेशान होते हैं कि हमारा आने वाला कमिंग फ्यूचर क्या होगा, तो हम इसके बारे में वरीड होते हैं इन सब सिचुएशन के बारे में। तो हमने यही आंसर उनको बताना है कि हम वरीड होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। हमने लिखना है कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन
all the serious threats to our environment. ओजोन लेयर की तह को जो हम कम करते जा रहे हैं, इसके अलावा जो माहौलियाती तब्दीली हम लोग ला रहे हैं एंड पोल्यूशन और आलूदगी, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये सब कुछ ऑल द सीरियस थ्रेट्स, ये बहुत ही संजीदा थ्रेट्स कहते हैं धमकियों को टू आवर एनवायरनमेंट, ये हमारे माहौल के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा धमकियाँ हैं। वी हियर अबाउट इट, हम इसके बारे में सुनते हैं। वी गेट वरीड अबाउट इट, और हम इसके बारे में परेशान भी होते हैं। बिकॉज, क्योंकि दीज इंडेंजर ह्यूमन प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि इन सब चीज़ों ने, इन धमकियों ने इंडेंजर खतरे में डाल दिया है ह्यूमन, इंसानों को, इंसानी ज़िंदगी को, पौधों को और जानवरों की ज़िंदगी को, ज़मीन पर हर चीज़ को खतरे में डाल दिया है। इसलिए हम ये सब कुछ सुनकर परेशान होते हैं, ना कि कंधे उचकाकर आगे चले जाते हैं। तो इसका आंसर आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सब क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड आउट हाउ मैन इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, वो बताएं, फाइंड आउट, तलाश करें कि किस तरह से आदमी जो है अपने माहौल को तबाह कर रहा है। एंड इंडेंजरिंग हिज ऑन एग्जिस्टेंस, और अपना ही वजूद जो है वो खतरे में डालता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत से रीज़न जो हमने पढ़े भी हैं कि किस तरह से इतनी बुलंदोबाला चिमनियाँ उसने लगा ली हैं जिसका धुआं ऊपर तक जाता है, इस उन्हीं के ज़रिए से फाजिल मादा जो फैक्ट्रियों का है, चिमनियों का धुआं और उसका फाजिल मादा दरियाओं में और समंदरों में फेंक के पानी को आलूदा कर रहा है। इसके अलावा जंगलात की कटाई करके अपनी ज़मीन को भी आलूदा कर रहा है। ये सब वो चीज़ें हैं कि जो के मैन जो है अपने माहौल को तबाह कर रहा है और अपना ही वजूद खतरे में डाल रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने लिखना है कि ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स चेंजेस टू इकोसिस्टम्स कॉज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमंस, के इंसान जो है इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, माहौल पर जो असर कर रहा है, इंक्लूड्स चेंजेस टू इकोसिस्टम, के वो उसमें शामिल है जो हमारे इकोसिस्टम यानी कि अमल और रद्द अमल का जो निज़ाम है उसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं, कॉज्ड वो वजह बनती हैं या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर बाय ह्यूमंस, इंसानों पर, इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सच एस ओशन एसिडिफिकेशन, कि जिस तरह से हम जो है अपने माहौल को ख़तरे में डालते जा रहे हैं और अपने समंदर को उसमें एसिड डाल रहे हैं यानी कि उसमें केमिकल्स डाल के आलूदा कर रहे हैं। मोडिफाइंग द एनवायरमेंट टू फिट द नीड्स ऑफ सोसाइटी, और मॉडिफाइंग हम तब्दील करते जा रहे हैं माहौल को टू फिट द नीड्स ऑफ सोसाइटी, के माशरे की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक हम तब्दील कर रहे हैं, उसमें तब्दीलियाँ ला रहे हैं। इस कॉजिंग बैड इफ़ेक्ट्स, ये बहुत बुरे असरात मुरतब करता है, विच बिकम वर्स विद टाइम, और ये इतने बुरे असरात मुरतब करता है जो कि वक्त के साथ साथ और ज़्यादा बदतरीन होते जा रहे हैं। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ इंसानी जो सरगर्मियाँ, डेट कॉज डैमेज टू द एनवायरनमेंट, जो कि माहौल को तबाह कर रही हैं ऑन अ ग्लोबल स्केल, बड़े पैमाने पर, इंक्लूड उसमें क्या क्या शामिल है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इंसानों की ज़्यादा पैदावार होना, ओवर कंजप्शन, ज़्यादा खर्च करना मतलब चीज़ों का, पोल्यूशन आलूदगी एंड डिफॉरेस्टेशन, और जंगलात का कटाव यानी कि जंगल का काट लेना, ये सब वो वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो इस दुनिया पर अपनी ही एग्जिस्टेंस जो है उसको इंडेंजरिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टीयर्स ऑफ नेचर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। क्योंकि ये पोइम है तो बेसिकली इसके क्वेश्चन इतने आते नहीं हैं पेपर में, इसमें से आपको बस इसकी शॉर्ट समरी या सेंट्रल आइडिया ही पूछ सकते हैं या फिर एमसीक्यूज़ में से आ सकते हैं, लेकिन बोर्ड वालों का कुछ पता नहीं होता, वो इस तरह के ऐसे पोइम में से भी क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो इसलिए आपने ये क्वेश्चंस भी अच्छे से करने हैं।